So, okay ज की वीडियो को सेट आउट अगर आपको भी जॉब तो गई मैंने यहाँ पे इतना सारा बना लिया और आप देख सकते हो कितना ज्यादा कूल लग रहा है तो घर आप देख सकते हो इधर इस वाले मोड को आपको एक्टिवेट करना की जरूरत पड़ेगी तो गाइस सबसे पहले तो आप पैकेज स्ट्रक्चर पैक लगा के अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट कर लेना उसके बाद ये सब मोड आपका वर्क करने वाला है ओके गाइस अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड मोड पे तो गाइस इसका नाम है ड्यूरेबिलिटी चेक मोड तो गाइस इस वाले मोड में यार क्या होता है आपको तो पता ही होगा की आपको आर्मर्स और टूल जितना भी होता है उन सबका हेल्थ यहाँ पे शो होने लगता है सो तो गाइस आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि ड्यूरेबिलिटी चेक मोड आप लोगों को चाहिए सो गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ पर गाइस आप देख ही सकते हो यहाँ पे आर्मर्स और टूल्स मैंने जितने भी रखे हुए अपने इन्वेंट्री में सबका हेल्थ यहाँ पे दिखा रहा है इसका कितना हेल्थ बचा हुआ सो गाइस इस वाले मोड को भी आपको यूज करने के लिए रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक में एक्टिवेट करना तो जब जावा एडिशन में हम लोग किसी भी बोर्ड को क्राफ्ट करते हैं तो बस वो पांच प्लैंक्स में क्राफ्ट हो जाता है में तो गैस इस वाले मोड को लगाने से आपको ये जावा एडिशन वाला फीचर आपको क्राफ्ट बिल्डिंग में मिल जाएगा और गैस अभी आप जो देख रहे हो ये क्राफ्ट बिल्डिंग का जो ओरिजिनल बोर्ड बन जा रहा है

तो आप लोगों ने देखा कि वो लावा में गिरा और खत्म नहीं हुआ वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड होता जा रहा है so गैस मैंने पे तीन तोड़ा और guys, वो मेरे इन्वेंट्री में ऐड हो गया सो so गैस इस वाले मोड से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने सर्वाइवल में